जय हिंद साथियों, प्रणाम करते हैं, आप सभी का स्वागत है। और बताइए कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं जबरदस्त होंगे, तैयारी आपकी बेहतर चल रही होगी। होली आपका जो है, इसी होली के बाद से अब देख रहे हैं आप धड़ल्ले से एग्जाम शुरू होगा, यानी चुनाव के बाद, होली के बाद चुनाव, चुनाव के बाद एग्जाम मारा होगा। कई सारे एग्जाम होंगे, जितने भी लगभग एग्जाम्स हैं आपको जून जुलाई के आसपास बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे। जितने भी एग्जाम हमारे इस टाइम पेंडिंग में है, जैसे आरओ का है, यूपी पुलिस का है, जूनियर असिस्टेंट का है, और एक सीटेट का है जुलाई में जो होना है। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्स हैं, लगभग 5-6-7 एग्जाम ऐसे हैं जो जून जुलाई के आसपास होंगे, जून जुलाई अगस्त के आसपास होंगे। सब ठीक ठाक रहा तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आयोग को ना हुई चीजों को कंडक्ट करवाने में, या जो टेंडर लेगा उसको अगर कोई असुविधा ना हो पेपर करवाने में, तो जून जुलाई अगस्त के आसपास इस 3 महीने के बीच लगभग एग्जाम्स आपके हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से तैयारी अपनी जारी रखिए, इसी हिसाब से तैयारी अपनी जारी रखें। ये नहीं कि अभी जून जुलाई है तो हम मई से पढ़ने स्टार्ट करेंगे या पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, तो वो भी ये संभव नहीं है। अभी तो तैयारी करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो भी जिसका जो जो भी एग्जाम है उस हिसाब से तैयारी करिए। जिनका एग्जाम के बाद टाइपिंग है वो टाइपिंग करिए, जिनका एग्जाम के बाद रनिंग है वो रनिंग करते रहिए बिल्कुल। तो इसी तरीके से तैयारी अपनी जारी रखिए। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे, मतलब हमारा टॉपिक वो है डायरेक्शन विद डिस्टेंस, डायरेक्शन विद डिस्टेंस। डायरेक्शन विद डिस्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले दिशा। सबसे पहले इसमें हमको क्या पढ़ना है, दिशा, यानी उत्तर दिशा में। दिशा की बात करें, दिशा की भी बात करेंगे। फिर दूरी, फिर दूरी, दूरी में भी हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे। फिर शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न, शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न। तो क्या क्या पढ़ना हमको, पढ़ना हमको दिशा सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर दूरी पढ़ेंगे, फिर शब्दावलियों पर आधारित पढ़ेंगे, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी लगभग यही समझिए, इसी से उसी में मैं बता दूंगी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हमारा होता है। तो ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले, सबसे पहले दिशा पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, क्वेरीज करें, दिशा दिशा क्या है, इसमें कहा जाता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने विपरीत दिशा में ही चलता है, यानी आमने सामने किसी की बात हो तो विपरीत दिशा होती हो, दिशा में चलता है। कैसे, अगर इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए तो क्या समझेंगे आप। कोई भी व्यक्ति अपने विपरीत दिशा में चलता है या चल सकता है, चल सकता है कह देंगे तो थोड़ा सा हमारा दृढ़ संकल्प वायु का हो जाएगा, चल सकता है। कहने का मतलब जो भी चलेगा, किस दिशा में चलेगा, अपने विपरीत दिशा में, आमने सामने। जब भी आमने सामने की बात होगी तो हमारा कौन सा दिशा होगा, विपरीत दिशा होगा। जैसे मैं इस दिशा में चल रहा हूं, मैं इस दिशा में चल रहा हूं, तो ये जो सामने दिशा है वो इस तरफ इंडिकेट कर रही है। मान ये कोई आगे मेरे, मैं इस दिशा में चलूंगा तो ये सामने मान लीजिए, तो ये किस तरफ इंडिकेट करेगी, पीछे की तरफ, ये दिशा किस तरफ मार्क कर रही, मतलब इस तरफ, और मैं जा कर रहा हूँ इस तरफ, तो कहीं ना कहीं इस दिशा से मैं क्या हूँ, आमने सामने विपरीत हूँ कि नहीं हूँ। तो वही चीजें हैं, जब भी कोई व्यक्ति इस दिशा में जाता है तो जो हमारी दिशा होगी ये वो किस तरफ इंडिकेट करती है, इस तरफ, यानी ये कहता है कि ये मेरी सामने की दिशा है, ये कहेगी कि ये मेरे सामने की दिशा है, इस दिशा का सामने का दिशा ये होगा, इस आदमी का सामने दिशा ये, कहीं ना कहीं एक दूसरे क्या है, विपरीत है कि नहीं है।
एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं? ये तो विपरीत का मतलब ही होता है आमने सामने, आमने सामने। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात को? विपरीत का मतलब ही होता है आमने सामने। जब भी कोई किसी व्यक्ति किसी दिशा में चलेगा तो वो विपरीत, वो दिशा उसके क्या होगी? विपरीत होगी, सदैव उसके विपरीत होगी। समझ आ रहा नहीं समझ? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है ऐसे, ठीक। अगर उसको इस दिशा में जाना है, कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो उसको इस दिशा, सबसे पहले उसको इधर घूमना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इस दिशा में जा रहा हूं, मुझको इस बगल की दिशा में जाना, इस दिशा में जाना है, मुझे क्या सबसे पहले मुझे इस तरीके से घूमना पड़ेगा। इस तरीके से घूमने के बाद मैं जाऊंगा आगे, या फिर मान लीजिए मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, मुझको इस साइड घूमना, मैं पहले इधर घूमूंगा तब आगे जाऊंगा। ऐसे तो है नहीं कि मैं ऐसे खड़े खड़े ऐसे ऐसे इस साइड बगल चला जाऊंगी, इस साइड बगल चला जाऊंगा। तो जिस तरफ जाना, मान लीजिए जिस तरफ हमको जाना, सबसे पहले उस तरफ घूमेंगे, उसके बाद उस तरफ जाएंगे। तो सेम वही है यहाँ है, अगर हमको इधर जाना है सबसे पहले हमको यहाँ से यहाँ घूमना पड़ेगा, इधर जाना है तो यहाँ से यहाँ घूमना पड़ेगा हमको। तो जिस भी दिशा में जाना सबसे पहले उस दिशा में घूमना पड़ेगा। घूमने के बाद जिस दिशा में हम घूमेंगे वो दिशा हमारी क्या होगी? विपरीत होगी, वो आमने सामने की दिशा होगी। उस दिशा को हम विपरीत कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलता है तो कहते हैं कि वो विपरीत दिशा ही है, यानी विपरीत दिशा में ही अपने चल सकता है और दूसरी दिशा में वो चल नहीं सकता। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? अब दूसरी चीज समझिए, तो समझ गए। दूसरी चीज क्या समझिए, किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ से और के लगा हो, से और के लगा हो तो वह स्थिर होता है, स्थिर रहता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ? जब भी किसी व्यक्ति के नाम से ओके, जब भी किसी व्यक्ति के नाम के आगे, नाम के पास, नाम के आगे, जब भी किसी व्यक्ति के नाम के आगे से या के लगा हो तो वह क्या होता है? स्थिर होता है। जैसे कहा जाए, उसका एग्जाम्पल समझिए, कहा जाएगा कि पी क्यू से 3 किलोमीटर पूरब में है। अगर इस चीज को समझिए, मैं कहा जिस भी व्यक्ति के नाम के आगे से या के लगा हो तो वह सदैव स्थिर होता है, हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो एग्जाम्पल समझिए, पी क्यू से 3 किलोमीटर पूरब में है, से किसके बाद लगा है? क्यू के बाद से लगा है। इसका मतलब क्या है? क्यू जो हमारा है वो कहाँ होगा? एक पॉइंट होगा, उसको हम क्यू बना देंगे। अब ये क्यू हमारा स्थिर हो गया, क्यू ये कहीं नहीं जाएगा, जाएगा कौन? पी जाएगा, क्योंकि क्यू के बाद से लगा है। जिसके बाद से अकेला लगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट, हमेशा नियत, हमेशा एक स्थिर रहता है। तो कहा गया पी क्यू से 3 किलोमीटर पूरब में है। पी क्यू से 3 किलोमीटर पूरब में है, यानी 3 किलोमीटर पूरब में कौन है? पी है। किससे? क्यू से। वही है, क्यू से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूरब में कौन है? पी है। यही हमारा हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? आंसर, सॉरी आंसर कर रहे, मतलब ये इस तरीके से बनेगा। तो जिसके बाद से लगा, मान लीजिए यहाँ कहा जाता पी क्यू के 3 किलोमीटर पूरब में है, पी क्यू के 3 किलोमीटर पूर्व में, तब भी यही बनता पी क्यू से 3 किलोमीटर पूर्व में। अब यही अगर कह देता पी से क्यू, अगर कह देता पी से क्यू 3 किलोमीटर पूरब में है, तब क्या होता? तब पी बनता यहां
पी से क्यू 3 किलोमीटर दूर, यानी पी कॉन्स्टेंट हो तो क्यू यहाँ चला जाता है, क्यू यहाँ 3 किलोमीटर चला जाता है, यानी जिसके पास से लगा हो वही हमारा क्या होता है, नियत होता है, वो हमारा चेंज नहीं हो सकता, किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा। अभी आगे जब इसको क्वेश्चन देखेंगे आपकी, कोई व्यक्ति कोई स्थान के से यम जाता है, यम से यन जाता है, तो जहां जहां से आपको दिखेगा, जिस भी व्यक्ति के बाद से दिखेगा के दिखेगा, वो हमारा हमेशा कांस्टेंट होगा, नियत होगा, वो अभी आपको आगे काफी हेल्प करेगा। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है ये? चलिए नोट हो गया। ठीक, ये कर लीजिए क्वेश्चन आप। कुछ थोड़ा टेक्निकल इशू था जिस वजह से वीडियो रुक गई। अब बात करते हैं किसकी, दूरी की। अब बात करते हैं किसकी, दूरी की। अब दूरी में भी हम दो चीजें देखेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर मिनिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम मतलब अधिकतम दूरी, इसका मतलब न्यूनतम। तो अधिकतम को देखिए, इसको कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दूरी, इसको कह सकते हैं कम से कम दूरी। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहिएगा। और इसमें जो है, इसका क्वेश्चन अगर हम मान लीजिए एक लिखते हैं, तो क्वेश्चन हमारा किस टाइप पेज में होगा, देखिए आ जा रहा है क्वेश्चन। एक स्थान, नहीं एक स्थान, या कर किसी नाम लेके कहते हैं, दीप रमेश, रमेश अपने कार्यालय से, अपने कार्यालय से उत्तर की दिशा में, दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, और फिर और वहां से वह बाएं घूम जाता है, बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, और फिर वहां से, और फिर वहां से वह पुनः बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, और अंततः वहां से दाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। तो अब यहां दो क्वेश्चन बनेगा, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी, उनके बीच की अधिकतम दूरी, पहले अधिकतम दूरी, सेकेंड हमारा उनके बीच की न्यूनतम दूरी। याद रखिएगा, उनके बीच की अधिकतम दूरी, उनके बीच की न्यूनतम दूरी, यही निकालना है आपको। इसका सबसे पहले आप फिगर एक बार प्रयास करिए बनाने का, फिर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसका फिगर कैसे बनता है, जो कहा गया, जैसे मान लीजिए कहा गया रमेश अपने कार्यालय से उत्तर की दिशा में चलता है, तो रमेश का ही मान लीजिए कार्यालय है, ये रमेश का कार्यालय है, मान लीजिए कार्यालय हो गया। यहां से वह उत्तर की दिशा में कितना चलता है, उत्तर की दिशा हमारी ये हो गई, उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर की दिशा में चलता है, उत्तर की दिशा में वो चलता है, और वहां से वह बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं इसका कौन सा होगा, ये होगा, बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, फिर यहां पहुंच जाता है, फिर वहां से वह पुनः बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, यहां पहुंच जाता है, अंततः वहां से दाएं घूमकर 10 किलोमीटर, अंततः वहां से दाएं घूमकर कितना चलता है, 10 किलोमीटर यहां पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले उनके बीच की अधिकतम दूरी, फिर उनके बीच की न्यूनतम दूरी।
तो इनके बीच की अधिकतम दूरी हमारी क्या होगी बताइए, इनके बीच की अधिकतम दूरी क्या होगी? तो मैंने बताया था जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन में आपसे अधिकतम दूरी पूछे तो आपको ये सब बनाने की जरूरत है। ये मान लीजिए अगर न्यूनतम क्वेश्चन में बना रहा उसको अधिकतम क्यों पूछा होता तो हम क्या करते ऐड कर देते, यहाँ 4 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, 4 × 3 = 7, 7 × 4 = 11, 11 = 10, 21, अधिकतम हमारी 21 किलोमीटर आ जाती। कैसे आती है अधिकतम, कौन सी होगी अधिकतम दूरी हमारी? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, यही हमारी अधिकतम दूरी होगी। अधिकतम मतलब उनके द्वारा चली गई कुल दूरी, तो उनके द्वारा चली गई कुल दूरी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से चलेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 किलोमीटर अधिकतम दूरी अगर कहें, लिखते मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? 4 + 3 + 4 + 10, 4 + 3 + 4 + 10 कितना हो जाएगा? 4 × 4 = 8, 3 4 × 4 = 8, 10, 18, 19, 21, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर ये अधिकतम दूरी होगी इनकी। जब न्यूनतम दूरी पूछे, मिनिमम डिस्टेंस पूछे, मिनिमम डिस्टेंस पूछे, तो अब मिनिमम अभी हम आपको बताते हैं क्या बताएंगे, जिस पॉइंट से हम चले हैं, जिस पॉइंट पे पहुंचे उनके बीच का डायरेक्ट सीधी दूरी करेंगे, ये सब घूमे घूमना उमना हमको नहीं। जब न्यूनतम दूरी की बात होगी तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट से हमने चला था तो क्या करें, सीधा इस पॉइंट से ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे यहाँ 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 तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए ये हमारी अगर 4 किलोमीटर दूरी है, ये भी दूरी हमारी 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल फॉर्म कर, रेक्टेंगल क्रिएट करेगा, आयत का ही आकार बनेगा कि नहीं बनेगा? आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वही 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 3 यहाँ, तो यहाँ कितना होगा? 3 किलोमीटर होगा। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 3 किलोमीटर हमको पता चल गया, और यहां से लेके यहां तक हमको पता है 10 किलोमीटर है, ये 10 ये 3 कितना हो जाएगा मिनिमम? 10 + 3 = 13 किलोमीटर जो होगा ये हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी, न्यूनतम दूरी होगी। बस यही हमारा क्वेश्चन था। जब भी डिस्टेंस में बहुत सिंपल तरीका है, इसमें अधिकतम दूरी पूछे, ज्यादा से ज्यादा दूरी पूछे, कुल दूरी पूछे इसका मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी पूछे, न्यूनतम दूरी पूछे, मिनिमम डिस्टेंस इसका मतलब समझ ही रहे हैं आप। क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया इनके बीच की अधिकतम दूरी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी। अधिकतम दूरी का मतलब जहां से जहां तक चला पूरा सीधा करिए, क्वेश्चन में आपको जो जो दिया गया जितने जितने किलोमीटर जितनी दूरी थी उसको ऐड कर दिए, वही आपकी अधिकतम दूरी होगी। अधिकतम दूरी केवल पूछे तो आपको ये बनाने नहीं है, जब आपसे न्यूनतम दूरी पूछे तब इसको आपको बनाना है, तब आपको ये बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। फटाफट इसको बना लीजिए एक बार। एक बार नोट डाउन कर लीजिए उसको, फिर आगे चलते हैं इसके। एक क्वेश्चन और इसमें अभी क्लियर करते हैं हम आगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट करिए। हो गया? हो गया, ना हो तो पॉज करके कर लीजिए। देखिए इसमें जो है एक चीज और याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको पाइथागोरस थ्योरम भी देखने को मिलेगा, यानी आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन दे दो इसी में आपको करना पड़ेगा भी, कि राम अपने घर से उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, और वहां से पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, और पुनः वहां से छोड़िए, और पश्चिम की दिशा चलता है, पुनः वहां दक्षिण की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो राम के द्वारा चली गई
राम के द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी क्या होगी? न्यूनतम दूरी क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, निहायत ही सिंपल, एकदम जबरदस्त सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। बस एक बार इसको आप शुरू कर देंगे तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए, राम अपने घर से उत्तर की दिशा में चलता है। मैंने बताया कि राम का ये घर है, यहाँ से उत्तर की दिशा में ये चलता है, उत्तर की दिशा में चलता है राम, ठीक है। तो ऊपर बनाते हैं कि राम है उत्तर की दिशा में से चला, वहां से वह चार कितना चलता है? 4 किलोमीटर। फिर वहां से वह पश्चिम की दिशा में चलता है, कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चल दिया भैया, पहुंच गए यहाँ। फिर वहां से वह पुनः दक्षिण की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चल दिया, यहाँ पहुंच गए। अब पूछा गया है इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, राम की तरह चली गई कुछ दूरी का न्यूनतम दूरी। तो इनिशियल पॉइंट हमारा ये, फाइनल पॉइंट ये, इनके बीच की दूरी से पूछा गया ये दूरी। मैंने बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम आपका यूज करेगा कहीं ना कहीं, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम यही यूज होगा। अब यूज कैसे होगा? आपको पता है कि जब इस तरीके को, तो यहाँ थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे चीजों को, इसको ऐसे यहाँ मिला देंगे जब, तो हमारा ये एक रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ से आप, आपको अगर ये डिस्टेंस पता, ये डिस्टेंस पता, तो आप इसको निकाल सकते हैं। निकालिए, बिल्कुल निकाल के कमेंट करिए, तुरंत फटाफट देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। तुरंत निकालिए, कमेंट करिए। देखिए, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है, ये आपको पता, ये हमारी 3 किलोमीटर हो जाएगी, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, यहाँ से 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर होगा। अगर ये इतना 4 है, बचा कितना? 4। तो आप पता चल गया 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से आगे का निकाल लीजिए, क्या तरीका होगा आपका, तो निकालिए फटाक से, एक बार निकाल तुरंत कमेंट करिए। बताए फटाफट, हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया, ये हमारा 4 किलोमीटर, देखिए ये हमारा कितना है, ये हमारा 3 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सामने का 3 है रेक्टेंगल, फिर ये 4 है, 4 यहां तक, अगर 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा। ये 4 है 3, अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ही पूछे, ये हमारा हाइपोटेनस ही हुआ इसमें, और हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, मतलब 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 6 16, 3 9, 16 9 25, 25 हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 25। जब यहाँ एच स्क्वायर इक्वल टू 25 है, ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 25 हो जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई? 5 किलोमीटर हो गई। यानी इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी? 5 किलोमीटर। यही 5 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस खत्म। 1 सेकंड का सवाल, 1 सेकंड सॉरी कह रहे हैं, 10 सेकंड का सवाल था बस ये। जब इसे मतलब जब जब एक बार ये फिगर आपको पता, तुरंत आपको मान ली, अब पेन आपको उठाने नहीं है इसमें, इस तरीके क्वेश्चन, तरह सिंपल क्वेश्चन, जैसे बड़ा डाटा होता तो आपको, मैं मानता पैर उठाना है। अब इसमें आप क्या करना है, यहाँ देखें, यहाँ 3 इस तुरंत आपको माइंड में आया, यहाँ 3 होगा, यहाँ इसके बराबर 4 4 होगा, 3 3 9, 4 6 16, 16 9 25, 25 का करेंगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 5 किलोमीटर। तो आप बताइए, दूरी में आपसे इससे ज्यादा क्या पूछेगा? या तो मिनिमम पूछेगा, या तो मैक्सिमम, दो ही चीज होता है इसमें, तीसरा इसमें हम कहाँ से लाएंगे, उसमें बीच की दूरी कैसे घुसाएंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। समझ आ गया? नहीं समझ? अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको करना है, उस क्वेश्चन को आपको करना है, और आप कमेंट करेंगे उसका आंसर। उस क्वेश्चन को आपको करना है, उस कमेंट मतलब उसका आंसर आप कमेंट करेंगे। चलिए,
क्वेश्चन हमारा क्या है? विवेक, विवेक एक स्थान से पूरब की दिशा में, पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से दक्षिण दिशा में घूमकर 5 किलोमीटर चलता है, क्या है? विवेक एक स्थान से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से दक्षिण की दिशा में घूमकर 5 किलोमीटर चलता है, फिर चलता है और फिर पश्चिम दिशा में घूमकर 15 किलोमीटर चलता है, तो विवेक द्वारा चली गई पहला दूसरा विवेक द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी क्या होगी? न्यूनतम दूरी क्या होगी? विवेक द्वारा चली गई अधिकतम दूरी क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बाकी मैंने आपको अभी स्टेटमेंट बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन था, जो शब्दावली पर आधारित था, मतलब शब्द के आधार पर जो मैंने अभी आपको बताया था, से के ये सब, पहले दिशा बताया फिर शब्दावली पर आधारित, उसमें एक दो प्रश्न भी करवाए। अब हमारा ये फाइनल डिस्टेंस था, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस हम लोगों ने देखा। तो इसके बाद इतनी चीजें आपको समझ में आई, अगर आपका मतलब आप लोग का रहा कि आप लोगों ने कई मतलब बहुत सारा अगर आप लोगों का कमेंट आया कि आप क्वेश्चन करवाइए इसके बाद फिर से इसका एक बार, तो अगली क्लास में बिल्कुल इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन अगर आप लोग का कमेंट नहीं आता है तो फिर अगली क्लास में मैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा, क्योंकि एक दो दो एग्जाम्पल मैंने सभी का दिया है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद होगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते भैया, आप लोग शेयर करने बहुत कंजूस करते हैं। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना जितना आप शेयर करेंगे उतना बढ़िया तरीके से, उतना एनर्जेटिक तरीके से आपके सामने हम आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खूब सारा प्यार सारा मतलब ढेर सारा कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।